हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन ओपन डेलाइट डीडॉस एप्लीकेशन। ओके, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ओपन डेलाइट? ओके, ओपन डेलाइट क्या है? इट इज अ वन मॉड्यूल, ओके, वन ऑफ द मॉड्यूल ODL, ओपन डेलाइट। द मॉड्यूल ओपन प्लेटफॉर्म फॉर कस्टमाइजिंग एंड ऑटोमेटिंग अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज एंड एनी स्केल। कि जो हमारे नेटवर्क के ऊपर एक स्पेसिफिकली मॉड्यूल्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे जो कस्टमाइज भी है और साइमल्टेनियसली हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिंग अ नेटवर्क। इस पर्पज के लिए हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो इस जो एप्लीकेशन है, ओके, या इस जो आज का वीडियो है हमारा, इसके अंदर हम क्या देखेंगे? हाउ टू डिटेक्ट द डीडॉस एप्लीकेशन और डीडॉस अटैक, सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एंड हाउ टू मिटिगेट इट, कि हम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। विद एन डायग्राम हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, ये जो टॉपिक हम कवर करने हैं, दैट इज एन मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क, जो अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस है, उसके अंदर से हम कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ओपन डेलाइट डीडॉस अटैक, द डिफेंस फॉर ऑल कैरियर एंड ओपन क्लाउड प्रोवाइडर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस डिटेक्शन एंड मिटिगेशन ऑफ सर्विस, द डिफेंस फॉर ऑल, किसके लिए हम जो एप्लीकेशन यूज करिए, दैट इज एन डिफेंस फॉर ऑल, द कॉमन टेक्निक्स ऑफ डिफेंडिंग अगेंस्ट द डीडॉस अटैक। के डिफेंस फॉर ऑल, ये जो हमारा टॉपिक है कि वो स्पेसिफिकली हम क्या कहेंगे, डिफेंस फॉर ऑल ये API एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम जो भी मल्टीपल अटैक्स होंगे हमारे ऊपर या डीडॉस के अकॉर्डिंगली जो भी अटैक्स होंगे उसको हैंडल कर सकते हैं एंड उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो कौन से बेसिक एलिमेंट्स है इसके अंदर फॉर एन डिफेंस फॉर ऑल के अंदर? ओके, डिफेंस फॉर ऑल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है या कौन कौन से थिंग्स हम कंसिस्ट कर सकते हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ एंड ट्रैफिक स्टैटिस्टिक एंड लर्निंग ऑफ अ स्टैटिक बिहेवियर ऑफ प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ पीस टाइम। ओके, पीस टाइम इन द सेंस, जो नॉर्मल जो आपका टाइम होगा, नॉर्मल ट्रैफिक होगा, उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी ट्रैफिक है, ओके, या स्टैटिस्टिक बोल सकते हैं कि जो भी हमारे ट्रैफिक एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कि जिस तरह से हमारे नंबर्स ऑफ यूजर्स आ रहे हैं या एम्प्लॉय जिस तरह से डेटा यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे जो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, जो अकॉर्डिंग टू जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क एप्लीकेशन है, हर किसी के ऊपर किस तरह से ट्रैफिक का बिहेवियर क्या है, उसका स्टैटिस्टिक क्या है, उसका रेशियो क्या है, नॉर्मल टाइम में देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली। ओके, जो नॉर्मल ट्रैफिक बेसलाइन ऑफ एंड प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट आर बिल्ड फ्रॉम दिस कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक, कि जो हमारा नॉर्मल ट्रैफिक की बेसलाइन होगी कि अकॉर्डिंगली कि 100 यूजर कि स्पेसिफिकली टाइम के अंदर या स्पेसिफिकली कितना डेटा यूज कर रहे, कि उसका जो भी बेसिकली जो बेसलाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे एंड डिटेक्ट करेंगे कि किस तरह से हमारे जो नेटवर्क है उसके अंदर ट्रैफिक क्या फ्लो होने वाला है, या उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट कुछ टाइम के अंदर या स्पेसिफिक जो टाइम रेशियो होगा उसके अंदर हमारे जो सिस्टम होगी उसके अंदर ट्रैफिक रेशियो क्या होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो भी रिसोर्सेस है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सेकेंड इज एन डिटेक्शन ऑफ डीडॉस अटैक पैटर्न एंड ट्रैफिक एनोनोमस डेविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल बेसलाइन। कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ऑब्वियसली हमें फर्स्ट पता है कि हमारा नॉर्मल ट्रैफिक किस तरह से बिहेव कर रहा है, देन सेकेंड हम क्या करेंगे, जो डीडॉस अटैक होगा, डीडॉस अटैक का पैटर्न फॉलो करेंगे, पैटर्न को चेक करेंगे कि जैसे कि जो रिक्वेस्ट हमें आने वाली है, जैसे कि उसके पीछे कोई ट्री लाइक तो स्ट्रक्चर नहीं कि स्पेसिफिकली एक ही सिंगल यूजर, इन द सेंस जो बॉट नेट बॉट बोल सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट डीडॉस के अंदर है, जैसे कि जो यूजर या जो एक्चुअल यूजर है क्या बॉट है, जो ये सारे रिक्वेस्ट नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट या नंबर्स ऑफ सर्विस एक्सेस मांग रहा है, तो उसको हम चेक करेंगे, इन द सेंस स्पेसिफिकली जो पैटर्न होगा हमारे डीडॉस अटैक का उसका चेक करेंगे
एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो हम यहाँ पे कहेंगे एनालिसिस ऑफ एन पैटर्न, कि जो भी पैटर्न है नॉर्मल बेसलाइन का पैटर्न या एनोनॉमस बिहेवियर ऑफ पैटर्न, इसको क्या कहेंगे चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफेंस प्लान करने वाले। सो नेक्स्ट इज कंसिस्ट ऑफ द डाइवर्शन ऑफ अ सस्पिशियस ट्रैफिक फ्रॉम नॉर्मल पाथ टू अटैक मिटिगेशन सिस्टम फॉर द ट्रैफिक स्कवरिंग सिलेक्टिव सोल्स ब्लॉकेज एंड सो ऑन। के इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमने ट्रैफिक पैटर्न को फॉलो किया है, कि जैसे हमने रिकॉग्नाइज किया है कि कौन अभी जैसे कि स्पेसिफिक टाइम के बाद हमारे जो नेटवर्क है उसके ऊपर ट्रैफिक अननॉर्मस या जो ट्रैफिक होगा सस्पिशियस ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, सो हम क्या कहेंगे जो भी ट्रैफिक हमारे सिस्टम के ऊपर आ रहा है सभी के सभी ट्रैफिक का हम क्या कहेंगे डाइवर्ट करेंगे टूवर्ड द अटैक मिटिगेशन सिस्टम। क्या हमारे पास एक स्पेसिफिकली हमने डिजाइन की हुई सिस्टम होगी सो अटैक को क्या करके मिटिगेट करेगी या ओवरकम करेगी हैंडल करेगी। सो उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे जो भी हमारे सोर्स ब्लॉकेज होगा इन द सेंस नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट को हमें ब्लॉक करना होगा हैंडल करना होगा या ट्रैफिक को क्लीन करना होगा, तो ये सारे मैकेनिज्म हम हमारे इस जो अटैक मिटिगेशन सिस्टम है उसके थ्रू करने वाले। क्लीनिंग अ ट्रैफिक एग्जिस्टिंग आउट अ स्क्रबरिंग सेंटर इज द री इंजेक्शन बैक इन टू द पैकेट ओरिजिनल टू टू डेस्टिनेशन। कि जैसे कि जो भी हमारे ओरिजिनल है या जो भी डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे हमें डेटा पास ऑन करना है, फीडबैक देना है, रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्स देना है, कि सभी चीज़ों को वे क्या करेंगे स्पेसिफिकली जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स भी देंगे एंड री इंजेक्ट कि फिर से जो मैसेज होगा कि फिर से सेंड करो कि ऐसा भी एक क्वेरी भेज सकते हैं। ये नॉर्मल हो गया हमारा डिफेंस फॉर ऑल कि जो हमारा ओपन डेलाइट डिटॉक्स एप्लीकेशन है। ओके नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं कि किसकी डायग्राम थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस एप्लीकेशन को हम डायग्राम के। फर्स्ट हमारा डिफेंस फॉर ऑल जैसे कि उसके अंदर क्या है कि हमारा रेस्ट एंड सीएलआई डिफेंस फॉर ऑल एएमएस स्पेसिफिकेशन एपीआई इन द सेंस अटैक मिटिगेशन सिस्टम, देन सेकंड साइड में ओडीएस एनबी एपीआई दैट इज द रेस्ट, देन नेक्स्ट द अटैक मिटिगेशन सिस्टम एंड ओपन डेलाइट कंट्रोलर। ओडीसी हमने देखा था ओपन डेलाइट कंट्रोलर, जो जितने भी ओपन डेलाइट के सिस्टम्स के अंदर जो भी रिक्वेस्ट होंगे या जो भी एक्शन परफॉर्म करने होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए ओपन डेलाइट कंट्रोलर, देन क्लाइंट सर्वर दोनों भी आपको दिख रहे हैं जैसे कि लेफ्ट साइड में क्लाइंट है राइट साइड में सर्वर। सो ये सिस्टम किस तरह से वर्क होगी। ओके नॉर्मल एसडीएन हमें पता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, जो भी रिक्वेस्ट आएंगे हमारे क्लाइंट के पास से, तो बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट आएंगे सो फर्स्ट जाएंगे हमारे एसडीएन के पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर, देन नेटवर्क के अंदर जो हमारा ओपन डेलाइट कंट्रोलर होगा। ओके ओपन डेलाइट कंट्रोल क्या करेगा जितने भी नंबर्स ऑफ रिक्वेस्ट है उसको एक्सेस करेगा चेक करेगा देन ही वो क्या करेगा उसको पास करने की परमिशन देगा टू अ सर्वर। इफ उसको कोई भी जैसे कि एनोनॉमस ट्रैफिक मिला कि जैसे कि सस्पिशियस कोई ट्रैफिक मिला तो वो क्या करेगा डिफेंस फॉर ऑल के पास पास ऑन करेगा, या जो अटैक मिटिगेशन सिस्टम जैसे कि हमने बोला था लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमारा अटैक मिटिगेशन सिस्टम है उसके पास हैंड ओवर करेगा, देन अटैक मिटिगेशन सिस्टम एपीआई क्या करेगा डिफेंस फॉर ऑल के पास पास ऑन करेगा एंड उसको किस कौन सा डिफरेंट मैकेनिज्म हमें यूज करना है फॉर एंड डिफेंस, सो वो मैकेनिज्म हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ओके सिंपल, सो द अंडरलाइंग एसडीएन नेटवर्क कंसिस्ट of numbers of data plane switch that support a traffic among a client and service। जो हमारा SDN network होगा यहाँ पे क्या करेगा numbers of client and server के जितने भी request होगी उसको handle करने का task करेगा and depends for all operate as an application that interact with the number with the controller and open daylight controller and not via northbound API। सो हम इस जितने भी अटैक हुए होंगे अभी इसको हम किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं, मिटिगेशन करने के लिए क्या क्या सिनेरियो हमारे पास है या क्या क्या प्रोसीजर हम करने वाले, सो चेक करते अभी हमने देखा किस तरह से अटैक हुआ। सो मिटिगेट करने के लिए सो फॉर एन मिटिगेशन फर्स्ट
it validity that at AMS attack mitigation system this alive and select a live connection to it. It jo hamara currently defense for all, okay, is a configured to work with AMS known as defense pro, ki hamara jo system hai wo alive hai kya nahi, okay, is validation check karna important hai. उसके अलावा हमें पता नहीं चलेगा कि जो भी हम सिस्टम यूज करें वो प्रॉपरली लाइव है क्या नहीं, तो उसको हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. एंड डिफेंस फॉर ऑल की जगह डिफेंस प्रो हम उसको कन्वर्ट करेंगे. देन सेकेंड इज दैट इज इट कॉन्फिगर द AMS विद अ सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नॉर्मल रेट टू अटैक अ ट्रैफिक. क्या हम क्या कहेंगे, जो हमारे AMS सिस्टम होगी विद एन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड जो नॉर्मल रेट ऑफ अटैक जो नॉर्मली अटैक होते हैं उसको किस तरह से हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर प्री कॉन्फिगर रहेगी. दिस प्रोवाइड द AMS द अटैक मिटिगेशन सिस्टम विद द इंफॉर्मेशन नीड टू एनफोर्स एंड मिटिगेट द पॉलिसी अंटिल द ट्राफिक रिटर्न टू अ नॉर्मल रेट. कि कब तक हम उसको ओवरकम करेंगे, कब तक उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेंगे, जब तक जो हमारा ट्राफिक रेट होगा कि जो एनोनिमसली इंक्रीज हुआ है वो रेट वापिस जो नॉर्मल जो रेट है हमारा उस तक वापिस ना आ जाए, तब तक हम क्या करेंगे उसको मिटिगेट करेंगे या स्टॉप करते रहेंगे. देन थर्ड इज इट स्टार्ट मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग असिंक्रोनस सिस्टम लॉग अराइविंग फ्रॉम AMS अटैक मिटिगेशन सिस्टम फ्रॉम अ सब्जेक्ट ऑफ ट्राफिक. कि हमने जो भी ट्राफिक डाइवर्ट की, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे हर ट्राफिक को यहाँ पे मॉनिटर एंड लॉगिंग एज लॉन्ग एज द डिफेंस फॉर ऑल द कंटिन्यूस रिसीव सिस्टम अटैक नोटिफिकेशन. कि जब तक हमारा डिफेंस फॉर ऑल रिसीव करे कि जैसे कि जो नोटिफिकेशन होगा जो अटैक हो रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर, ये जो नोटिफिकेशन जब तक हमारे डिफेंस फॉर ऑल तक आ रहा है, जैसे कि जो रेट होगा हमारा ट्रैफिक रेट और जो नॉर्मल होने तक हम क्या करेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करते रहेंगे. देन फोर्थ इट मैप द सिलेक्ट फिजिकल AMS कनेक्शन टू द रिलेवेंट PO लिंक. जो हमारा एक्टिव लिंक होगा यहाँ पे उस लिंक के ऊपर हम क्या कहेंगे चेक करते रहेंगे कनेक्शन, जो हमारा फिजिकल कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली. दिस टिपिकली इन्वॉल्व चेंजिंग अ लिंक डिफिनेशन ऑन अ वर्चुअल नेटवर्क यूजिंग एन ओपन फ्लो. ओके, उस जैसे जो हमारा फिजिकल लेयर होगा फिजिकल लिंक होगा उसको हम क्या कह सकते हैं चेंज कर सकते हैं, जो अटैक होगा उसको चेंज करने के लिए तो उसको वर्चुअल कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं. तो जिसके थ्रू जो अटैकर एक स्पेसिफिक लिंक के ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको लिंक फाइंड आउट नहीं होगी, जो एक्चुअल लिंक होगी हमारी ओरिजिनल लिंक होगी वो फाइंड आउट नहीं होगी. सो उसका जो अटैक है वहाँ पे स्टॉप होने के चांसेस है. सो हम क्या करेंगे उस लिंक को वहाँ पे स्टॉप करेंगे एंड एक दूसरी वर्चुअल लिंक क्रिएट करेंगे फॉर एन सेम जो हमारा नेटवर्क होगा उसके लिए. द नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट मिटिगेशन प्रोसीजर है कि इट इंस्टॉल द हायर प्रायोरिटी फ्लो टेबल एंटिटीज एंट्री सो दैट द अटैक ट्रैफिक फ्लो इज रीडायरेक्ट टू AMS के अटैक रीडायरेक्ट टू AMS अटैक मिटिगेशन सिस्टम एंड री इंजेक्ट द ट्रैफिक फ्रॉम AMS बैक टू द नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो रूट. व्हेन द डिफेंस फॉर ऑल डिसाइड दैट द ट्रैफिक इज ओवर इट्स रिलेवेंट टू अ प्रीवियस एक्शन. कि जब तक हमारा जो मैकेनिज्म होगा या जो प्रायोरिटी टेबल होगा कि हर एक पैकेट को किस तरह से हमें फॉलो करना है, क्या नेक्स्ट सिचुएशन क्या हैंडल करनी है, या हमारा जो प्रायोरिटी टेबल होगा कि नेक्स्ट पैकेट कहाँ पे जाने वाला है, कि नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फ्लो क्या होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे डिजाइन करेंगे हमारे ट्रैफिक प्लान को एंड जो हमारा ट्रैफिक होगा उसको मॉनिटर करते रहेंगे. दैट इज द ओवरऑल डिफेंस फॉर ऑल सिस्टम और डीडॉस एप्लीकेशन इन अ ओपन डे लाइट. ओके, इसके अंदर कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ. फॉर एंड सिमिलर टाइप्स ऑफ वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.